हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरुषि'स वर्ल्ड। मैं अभी डॉलर ट्री जा रही हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि ये US के सबसे चीपेस्ट स्टोर्स में है, जो ऑल पर्पस यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि एज एन इंडियन स्टूडेंट हमें अगर हम यहाँ से खरीदते हैं तो उसमें काफ़ी कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। तो मैं आपको चलिए चल के मैं जो भी लूँगी उसके साथ में टूर देती हूँ स्टोर का, कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कितना चीप है, क्या है, एवरीथिंग जो भी मैं लूँगी वो साथ साथ दिखाती है। तो ये जर्सी सिटी का डॉलर ट्री है एंड लेट्स गो। अभी क्या है ना, मैं मेरे नए घर के लिए आज सामान लेने के लिए आई हूँ, तो क्लीनिंग वगैरह का जो भी सामान रहता है, तो मैंने सोचा ये सबसे परफेक्ट ओकेजन है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जिनका मुझे एज एन इंडियन स्टूडेंट बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे सारी चीज़ें $1.25 की ऐसे फ्लैट उस पर मिलती हैं एंड बहुतों की क्वालिटी एकदम सेम रहती है। तो मैं आज स्पेसिफिकली आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगी। कुछ चीज़ें तो देखिए यहाँ से नहीं लेनी चाहिए, कुछों की क्वालिटी मैं बोलूँगी अच्छी नहीं होती, बट कुछ चीज़ें जो आप वॉलमार्ट से लो या उससे भी महंगे स्टोर से लो वर्सेज यहाँ से लो और उसमें कोई डिफरेंस मुझे फील नहीं हुआ, वो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। तो लेट्स गो नाउ। अभी तो स्टोर में एंटर करते ही काफ़ी सारी चीज़ें हैलोवीन की हैं, पूरा डेकोरेटिव और बहुत फेस्टिव सा हो रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरा जो सेक्शन है ना पीछे तक जा रहा है, ये हर चीज़ हर आइटम यहाँ पे $1.25 का ही है। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा बहुत डेकोरेशन लेना हो, डेकोरेशन की कोई भी चीज़ हो, जैसा हैलोवीन तो अभी यहाँ पे फीचर्ड है क्योंकि आने वाला है नेक्स्ट मंथ, बट आपको कुछ भी लेना हो, जैसे अभी यहाँ पे आओगे बर्थडेज रहते हैं लोगों के, आपका हो, रूममेट्स का हो, किसी का भी हो, बर्थडे के जो बलून्स हैं वो इससे चीप कहीं नहीं मिलते। उसके लिए आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि डॉलर ट्री स्टोर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पे बर्थडे बलून्स होते कैसे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रगल होता है कि इसके अलावा और कहीं मिलते नहीं हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ऐसा डेडिकेटेड बलून सेंटर रहता है एंड मैंने ना इससे ज़्यादा ऐसा एवरीडे स्टोर्स में बलून्स और कहीं पे नहीं देखे हैं। अब थोड़े और यूटिलिटी की चीज़ों पे आ जाते हैं। तो जैसे जो प्लास्टिक वेयर है, जो आपके स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, अगर आपको क्लोजेट में रखने के लिए या ये इस तरह के जो बॉक्सेस चाहिए, इनका सबका फ्लैट रेट यहाँ पे वही $1.25 ही होता है, तो वो आई वुड रिकमेंड कि आप यहीं से लें। ये देखिए जितने भी हैं, आई नो अलग अलग साइजेस के आते हैं, बट इनका सभी का जो रेट है $1.25 ही है। और मैंने भी पूरा ये वाला स्टोर नहीं देखा है, तो और चल के देखते हैं। जैसे हैंगर्स हैं, इनके पैक्स, अगर हैंगर्स वगैरह लेने हो, ये 7 का पैक है, एक एक $1.25 का, तो ये इससे चीप कहीं नहीं मिलेगा। ये जो माइक्रोफाइबर ऐसे वॉश क्लोथ्स धोने वोने के लिए, किचन क्लीन करने के लिए, ये भी इससे चीप नहीं मिलेगा, $1.25 का ही है ये भी। देन अब यहाँ पे मेरे पीछे पूरा जो किचन वेयर यहाँ पे मिलता है वो है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको यहाँ से लेना सही लगता है या नहीं, ये आपका डिसीजन है। तो जैसे मैंने पर्सनली ना यहाँ से ये सब कभी ख़रीदा नहीं है, तो मैं इसकी क्वालिटी पे नहीं बता सकती। इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये छूने में हल्का फील होता है, कि इसका क्वालिटी थोड़ा सा हल्के में है। जैसे ये भी जो स्टील का ही है छन्नी, बट इसका छन्नी का क्वालिटी ऐसा छू के फील हो रहा है कि ये भले ही मैं बाहर से थोड़ा महंगा लूँगी बट वो बेटर है। बट हाँ, यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है, जैसे ग्रेटिंग वगैरह करने के लिए मैं प्रॉब्ली वो जो है वो यहाँ से ले भी लूँ। सीजर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बाहर से लेंगे तो महंगी आएंगी, और यहाँ पर एवरी थिंग एज आई हैव बिन सेइंग $1.25 का ही है। तो इस तरह की चीज़ों में आप बहुत मेजर सेविंग्स कर सकते हो। एक्चुअली ऑन दैट नोट, आज मैं ट्राई करती हूँ, तो मैंने ये 3 स्पून्स और 3 फोक्स, लाइक ये टोटल $3 में आ जाएंगे, तो ये मैं लेके देखती हूँ। मैं आपको आगे कभी बताऊँगी कैसा लगा। मैंने सोचा मुझे ये, क्योंकि छूने में क्वालिटी एकदम बढ़िया लग रही है, तो आई वॉज लाइक इट्स वर्थ ट्राइंग यार, करके पता चलेगा। बाकी घर के लिए सीजर वगैरह मुझे भी लेनी है, तो ये बस अभी मैं लेने ही वाली हूँ। और चल के देखते हैं अपन क्या क्या है यहाँ पे। तो अब मैं वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं यहाँ से पर्सनली नहीं खरीदूँगी, और इसका कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि इनकी क्वालिटी ख़राब ही होगी, बट मेरे को बस पर्सनली ऐसा फील होता है कि आई कैन बाय दिस फ्रॉम मोर रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स। तो जैसे शैम्पूज़ हैं, जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये हेयर स्प्रे है, अब जैसे इसका कोई सिल्क सलों करके ब्रांड है, ये मैंने कभी नहीं सुना क्या है, तो मैं ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं लूँगी। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे हेयर कलर्स हैं, ये भी $1.25 का, ये तो एनी वे मैं कभी ना मिलियन ईयर्स भी नहीं लूँगी, बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये बड़ा शैम्पू का बॉटल है, अगेन ये भी सेम प्राइस का ही है। तो इनमें आई हैव नेवर ट्राइड दीज, और ये करने का मेरा मन भी नहीं करता। मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं बाहर से ही लूँगी। बट ये हैंड सोप्स हैं, हैंड सोप वैसे मैंने ये वाला एक बार ट्राई किया हुआ है एंड ये अच्छा था, बट उसके अलावा बॉडी वॉश, ये भी सोप ही है, लिक्विड सोप, अलग अलग ब्रांड्स के हैं एंड सबका मतलब ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं पता कि ये अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, बट हाँ ये सब यहाँ पे मिलता है और मैंने ये एटलीस्ट कभी नहीं लिया है।
अब यहाँ पे जैसे रबर बैंड्स मिलते हैं, ये मैंने बहुत बार खरीदा है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है कि $1.25 में इससे सस्ता मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। हेयर पिंस वगैरह मिलती हैं, ये मुझे फील होता है कि बहुत अच्छा है यहीं से खरीदना। तो बेसिकली जो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे चीप मिल रही है ना, वो मैं डेफिनेटली यहीं से खरीदूंगी। जैसे कि कोलगेट के पेस्ट्स हो गए जो यहाँ पे $1.25 का मिलेगा, छोटा वाला जो रहता है ना, मैं ये वाला लेती हूँ। तो ये जैसा $1.25 का आ रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए ये डव मिल रहा है, कोलगेट मिल रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बहुत हैंडी हैं कि ऐसा ट्रैवल किट है सेम गर्ल्स के लिए ना। ऐसे ये नेल पॉलिश वगैरह यहाँ पे सब $1.25 के अलग अलग कलर्स हैं। ये मैंने एक बार ट्राई करी थी एंड मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफरेंस नहीं था, सेम ही था क्वालिटी जो बाहर, मतलब अगर $10 या $8 की लेती। तो आई गेस मैं ये सब दिखा के शायद ये कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे जब भी US आओ, एक बार आके पूरे स्टोर को विज़िट करना, आइडेंटिफाई करना कि कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बहुत सस्ती हैं ना ओवरऑल यूटिलिटी की, वो यहीं से ख़रीदना। ये आइडेंटिफाई कर लेना कि ये चीज़ें, मैं अभी कुछ और भी हैं, अब जैसे प्लेट्स और बर्तन वगैरह का जो सेक्शन है वो चल के दिखाती हूँ। तो आई वुड से कि आप यहाँ पे आके एक बार अच्छे से पूरा देखो, घूमो, उससे आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपको यहाँ से कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब जैसे ये कप्स हो गए $1.25 के, मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि आपको ये इसके अलावा और कहीं से क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सेम ही है। अब ये पूरा ग्लासवेयर है यहाँ पे, ये वाले जो कप्स हैं ना ग्रे कलर के, ये तो मैंने बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के घर पे देखे हैं। ये बहुत स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, मतलब ऐसा एक आध और भी कलर्स में आते हैं। सेम ये बोल्स का है कि ये भी सब $1.25 में, मतलब हर चीज़ ही है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे से आके देख सकते हो। तो स्टेशनरीज में जाते जाते मुझे ये पहले फोटो फ्रेम्स और डेकोरेशन का सेक्शन दिख गया, तो आई वाज लाइक ये भी एक और चीज़ है जो मैं बोलूँगी कि आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो, कि आपको फोटो फ्रेम्स लेने हैं, थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह लेने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आप कंज्यूम नहीं करोगे ना। जैसे पीछे भी जो ये पूरा डेकोरेशन का है, बर्थडे डेकोरेशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इन सब चीज़ों को यहाँ से लेने में मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, इतने सस्ते मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे ना जैसे पेन्स वगैरह हो गए, नोटबुक्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे नेचुरली हाइलाइटर्स हैं सबका, क्योंकि फ्लैट ही कॉस्ट रहता है, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें भी यहाँ से लेने में एक अच्छा डिसीजन है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मिलता क्या क्या है। खाने के भी चीज़ें मिलते हैं, चिप्स वगैरह, पर वो अगेन मैंने कभी यहाँ से लिया नहीं है। अब जैसे मैं कल रात को ही वॉलमार्ट में थी, तो वहाँ पे ये जो फ्लश क्लीन करने के लिए बाथरूम क्लीनर है, ये सेम वहाँ पे कुछ $4.5 का आ रहा था और यहाँ पे $1.25 का है। तो अब ऐसी चीज़ें भी मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से ली जा सकती हैं, कि इससे अच्छा कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ये पूरा बाथरूम क्लीनिंग का सेक्शन है, स्पॉन्जेस वगैरह हैं, तो ये चीज़ें क्लीनिंग की आई फील यहाँ से लेना एक बहुत ही अच्छा वो है। यहाँ पे अब खाने का पूरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये सब चीज़ें तो मैं एनीवे कहीं से नहीं खरीदती हूँ, बहुत सारे फ्लेवर्स के पॉपकॉर्नस और चीज़ की चीज़ें, चिप्स वगैरह, अलग अलग फ्लेवर की कैंडीज, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे कहीं पे भी बहुत मिलती हैं, बट अगेन यहाँ पे से लेने में लोगों को सस्ती पड़ती हैं जो लेते हैं। देन सेम ये किचन टावल्स और टॉयलेट पेपर्स का सेक्शन है, ये भी मैंने यहाँ से एक बार ट्राई किया था एंड आई फेल्ट कि इसका पेपर टिश्यू बहुत वीक था, तो वो पैसे बचाने का कोई सेंस नहीं था, बिकॉज वो इतनी जल्दी, मतलब उनका जो पेपर अब्जॉर्प्शन था वो बहुत पुअर था। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से फिर एक बार के बाद नहीं ली, बट फिर भी ये एक अच्छा चीप ऑल्टरनेटिव है जो कि आप स्टूडेंट बजट पर ईजिली इसके साथ मैनेज कर सकते हो। अब मेरे पीछे पूरा फ्रोजन फूड का सेक्शन है, यहाँ पे बेसिकली ऐसे सॉसेजेस, चिप चीज़ की चीज़ें, जो भी इनके लाइक ऐसा मीट के रहते हैं, फिलेट्स, टॉर्टियाज, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, पिज्ज़ाज वगैरह। अगेन ये चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए जिनका इनकम थ्रेशोल्ड लो होता है वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सबका फ्लैट प्राइस है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें वैसे मैंने देखी कि, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं वही बता रही थी कि देखिए सब चीज़ें $1.25 की नहीं है, जैसे ये सब चीज़ों पे $5 लिखा हुआ है अलग से, इन पे $4 लिखा हुआ है, बट फिर भी ना यहाँ के हिसाब से मतलब ये रेट्स काफ़ी कम है, क्योंकि ये अगर आप बाहर किसी बड़ी सुपर मार्केट में जाओ तो इनका रेट ऑलमोस्ट इससे डबल मिलेगा। तो यहाँ पे ये पूरा ये सब फिर से $1.25 का ही है, बट मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के काम की नहीं है ये वाली चीज़ें। तो वही ऐसे स्टोर पूरा आई थिंक हो ही गया है अभी प्रीटी मच। अगर ऐसे देखें तो क्या क्या चीज़ें जो मुझे लगता है सही हैं यहाँ से, कि जो क्लीनिंग का सामान है, स्टेशनरी वगैरह का जो सामान देखा अपन ने, पार्टी सप्लाईज वाला जो सामान है वो यहाँ से अच्छा है। आप थोड़े बहुत जो कांच के प्लेट्स वगैरह, बोल्स वगैरह है, वो सब यहाँ से ले सकते हो अगेन, क्योंकि सस्ते हैं और वो मैंने बहुत इंडियन स्टूडेंट्स के घरों में देखा है। और बाकी की चीज़ें अब जैसे टॉयलेट पेपर्स वगैरह हो गए, सीजर्स और ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें मतलब टॉयलेट पेपर्स और जो पेपर्स वगैरह की चीज़ें हैं वो आई वुड से कि यहाँ पे आके आप
खुद देखो, आपको वो अच्छा लगता है तो अगली बार यूज करो। काफी लोग करते भी हैं और करने में कोई बुराई नहीं है। बट मेरा मेन मतलब मोटिव इस वीडियो के लिए ये था कि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ताकि आप लोग को पता हो कि ये चीज़ें, मतलब काफी टाइम तक मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये वॉलमार्ट तक के प्राइसेस से कम मिलती हैं यहाँ पे काफी चीज़ें। तो यू शुड जस्ट बी अवेयर। क्या है ना, ये एक्चुअली सिमिलर तीन ब्रांड्स हैं। ये डॉलर ट्री है, इन्हीं का एक फैमिली डॉलर है, ये दो सेम कंपनी के हैं, और एक डॉलर जनरल करके अलग है तीसरा। तो ये तीनों ऐसे यूएस में द डॉलर स्टोर्स के नाम से पॉपुलर हैं। तो डॉलर ट्री की कंडीशन कंपैरेटिवली स्टोर्स की अच्छी है, बट जैसे जो फैमिली डॉलर वाले जो स्टोर्स होते हैं ना, उनमें एक बहुत मेजर इशू ये रहा है कि जैसा पीछे आपको थोड़ा बहुत सामान दिख रहा है ना, कि बहुत क्लटर्ड सा, मेस्ड अप सा, चीज़ें क्लीन नहीं रहती स्टोर्स की, तो वो एक मेजर इशू है जिसके कारण शायद मुझे बहुत टाइम तक हमारे कॉलेज के पास में जो था वो डॉलर ट्री नहीं, फैमिली डॉलर था। तो फैमिली डॉलर का वो स्टोर मुझे बहुत मेस्ड अप लगता था। वहाँ ऐसे घुसो ना तो आपको ऐसा कंजस्टेड फील होने लगता था कि आपको कोई भी चीज़ क्लियरली मिलेगी नहीं। उस चीज़ पे द कंपनी, आई हैव रेड सो मच अबाउट इट, कि कंपनी ट्राई कर रही है कि वो सब इशू बेटर कर पाए। तो जैसे ये वाला जो स्टोर है डॉलर ट्री का, यहाँ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ये काफ़ी क्लीन है, यहाँ ऐसा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई, सब चीज़ें अच्छे से अरेंज्ड हैं, ऐसा क्रैम्ड स्टोर नहीं है। बट येस, दैट वॉज लाइक वन ट्रिविया जो मैंने पढ़ा था, तो मैं सोचा यहाँ शेयर करती हूँ। और जैसे ये टेप्स, ये दूसरी तरह की पेपर सीजर्स जो दूसरी साइड थी, वो तो किचन वाली बड़ी थी, ये सब चीज़ें मैंने हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी है यहीं से लिया। यहाँ पे टेप वेप ना काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, तो सब मिल जाता है। ऐसे एक और चीज़ मुझे दिख गई है, जो हुक्स है ना, ये भी यहाँ पे सबसे सस्ते मिलते हैं, वॉलमार्ट से ज़्यादा चीप यहीं पे है। तो ये मैंने लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी के टाइम पे डॉलर ट्री से जाके खरीदे थे। मैं अब जल्दी से ये हेल्थ एंड ब्यूटी वाले सेक्शन में वापस आई कि मेरे को वो टूथपेस्ट लेने हैं, थोड़ा बहुत और ये क्लीनिंग वगैरह का सामान एंड वो स्पून और फोक्स, बस इतना ही है आज मेरा। फिर लाइन में लगूंगी, क्योंकि ये स्टोर्स इतने चीप होते हैं। तो यहाँ पे मैं जर्सी सिटी में यही देख रही हूँ कि इनकी जो लाइन्स हैं वो कभी कभी बहुत लंबी लगती हैं, 25-30 मिनट्स आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली चीप होने के कारण ज़्यादा लोग रहते हैं एंड उनका सामान भी बहुत होता है। बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। आई थिंक अभी दोपहर हो रहा है, वीकडे है, तो शायद जल्दी क्लियर हो। मैं जो भी बता रही थी ना आप लोगों के, यहाँ पे कभी कभी ढूंढने में प्रॉब्लम आता है, अभी उसका एकदम सॉलिड एग्जांपल मिल गया कि अब जैसे यहाँ पे ना मैं पिछले 2-3 मिनट से ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं। कोलगेट ऐसा कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, कि जैसे रैंडमली देखिए एक कोलगेट पड़ा है, हम गैसिंग कि वही सबसे पॉपुलर ब्रांड है, तो वो शेल्फ से गायब हो गया होगा। तो वैसे इससे थोड़े से क्लटर्ड मिलती हैं यहाँ पे कभी कभी चीज़ें, मुझे पूरा देखना पड़ा तब मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पे देखिए पीछे कोलगेट रखा हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें कभी कभी ढूंढने में दिक्कत आती है। तो अब मैं लाइन में लगी हुई हूँ, मेरे सामने भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, वो लोग जो पेपर प्लेट्स और पार्टी सप्लाईज का वो था ना, प्लास्टिक के ग्लासेस, पार्टी प्लेट्स, वो सब लेके जा रहे हैं। तो वही आई फील कि इन चीज़ों के लिए इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। इसके तुरंत बाद में कुछ बहुत शॉकिंग हो गया, जिसके कारण मैं बिलिंग भी नहीं करा पाई, पूरा स्टोर खाली हो गया। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, बट क्या हुआ उसकी डिटेल्स आप अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि मैं आरुषि वर्ल्ड पे पोस्ट कर दूंगी। तब तक आप ध्यान रखिए।